2018 राष्ट्रमंडल खेलों 11 दिन लाइव अपडेट साइना नेहवाल पिप्स पीवी सिंधु को स्वर्ण किदंबी श्रीकांत ने ली चोंगवे की पुरुष की फाइनल में लीड नवीनीकृत 15 अप्रैल 2018 7:37 भारतीय मानक समय 2018 राष्ट्रमंडल खेलों 11 दिन लाइव अपडेट भारतीय स्टार साइना नेहवाल ने 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स CWG में बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिलाओं के एकल खिताब जीतने के लिए सीधे खेल से पीपी सिंधु को हराया 21वीं राष्ट्रमंडल खेलों CWG में बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीतने के लिए भारतीय खेल खिलाड़ी साइना नेहवाल ने सीधे खिलाड़ी पीवी सिंधु को हराया साइना ने फाइनल में 21-18, 23-21 की जीत के लिए शानदार प्रदर्शन किया एथलेटिक्स क्षेत्र में शूटिंग रेंज से मुक्केबाजी रिंग से यह 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स के आखिरी दिन भारत चमक रहा था जहां देश ने चालू संस्करण की सबसे बड़ी एकल दिवसीय शिखर पर दावा किया था जिसमें 5 विषयों में 8 स्वर्ण पदक जीतने का मौका मिला मुक्केबाजों ने तीनों को उठाया निशानेबाजों ने एक जोड़ा पहलवानों ने क्यूबल का दावा किया जबकि पेडलर्स और ट्रैक फील्ड टीम ने देश के लिए सही मायने में गोल्डन डे पर एक एक चुना जिसने 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीता देश के कुल पदक में 59 पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहे 25 स्वर्ण 16 रजत और 18 कांस्य पदक यह सब ब्रिस्बेन की शूटिंग श्रेणियों में शुरू हुआ जहां संजीव राजपूत ने 50 मीटर राइफल 3 की फाइनल में शीर्ष पर पहुंचने से पहले खेलों के क्वालिफाइंग रिकॉर्ड को तोड़ दिया उन्होंने पहले संस्करणों में कांस्य 2006 और 1 रजत 2014 जीता था पहलवानों के पास कारा स्पोर्ट्स एंड लेजर्स एंड में थे सुमित 125 किग्रा और विनेश फागेट 50 किग्रा ने अपने संबंधित श्रेणियों में शीर्ष सम्मान हासिल कर लिया जबकि ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक 62 किग्रा तीसरे स्थान पर रहे जिसमें सुमवीर 86 किग्रा थे ऑक्सनफोर्ड स्टूडियो के मुक्केबाजी क्षेत्र में एमसी मैरीकॉम 48 किग्रा को विकास कृष्ण 75 किलो और इतिहास के इतिहास में गौरव सोलंकी 52 किलो ने शामिल किया था 3 मुकाबले मुक्केबाजों ने 9 पदक जीते जो कि उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है 2010 के दिल्ली खेलों में पिछले सर्वश्रेष्ठ से बेहतर हैं मेरी कॉम राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई जबकि विकास ने एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों दोनों में स्वर्ण पदक जीता मेडल्स दिल्ली नीरज चोपड़ा ने कैरा स्टेडियम में अपना छोटा सा टुकड़ा इतिहास लिखा था जब वह स्वर्ण पदक का दावा करने वाले पहले भारतीय भाला फेंकने वाले थे उनका स्वर्ण ट्रैक और क्षेत्र में भारत का 5वां स्थान था 20 साल की उम्र में 85.40 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ 85.50 मीटर पहले फेंकने के बाद प्रतियोगिता में इसे उच्च स्थान पर ले लिया मैदान में कोई भी उसके प्रदर्शन के करीब नहीं आया था भले ही वह खुद को बस 1 सेंटीमीटर से निजी सर्वश्रेष्ठ लापता होने पर निराश हो गया ऑक्सनफोर्ड स्टूडियो के टीटी स्थल से अच्छी खबर दी गई जहां मनका बत्रा ने शायद अपना जीवन बना लिया वह स्वर्ण पदक का दावा करने वाली पहली महिला बन गई चांदी पदक विजेताओं को नहीं भूलना उनमें से 3 मनीष कौशिक 60 किग्रा अमित पंचाल 49 किग्रा और सतीश कुमार में मुक्केबाजी से आ रहे हैं दीपिका पल्लीकल और सौरभ घोषाल ने मिश्रित युगल स्क्वॉश रजत पदक जीता जबकि सानिल शेट्टी और हरमीत देसाई ने टेबल टेनिस पुरुषों की डबल्स में 2रा स्थान हासिल किया दिन का अकेला कांस्य शटलजेन सिक्की रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा ने दिया था इस दिन की निराशा 2 हॉकी टीम थी जिनमें से दोनों पदकों को सुरक्षित करने में नाकाम रहे थे
इंग्लैंड से हारते हुए अपने कांस्य पदक के प्लेऑफ में चौथे स्थान पर रहे थे। यह पुरुषों द्वारा एक विशेष रूप से निराशाजनक प्रदर्शन था, जिन्होंने पिछले दो संस्करणों में रजत पदक के साथ लौटे थे।